क्लास 12 के केमिस्ट्री में जो कंसंट्रेशन टॉपिक चल रहा था उसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कई बोर्ड्स में ऐसा है कि नहीं पूछता है, लेकिन कई बोर्ड्स ऐसा है जिसमें पूछता है, और इनफैक्ट CBSE में तो कई बार नहीं पूछा है, लेकिन हाँ कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है जिनमें ये चीज़ पूछा है। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे मैक्सिमम क्वेश्चन का चांस रहता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी अपने आप में ईजी टॉपिक नहीं है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट चाहिए, दैट इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, उसमें एक टर्म है इक्विवेलेंट वेट, वो निकालने आना चाहिए। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग चैप्टर 3 में भी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, लेकिन यहाँ जितना तक यूज है वहाँ हम लोग देखेंगे। जस्ट मिनट, क्या कह रहे थे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों को जानना इसमें बहुत जरूरी। देखिए, हम पहले आपको इसमें डिफाइन कर रहे थे नॉर्मलिटी क्या है। नॉर्मलिटी एक मोलारिटी टाइप का ही चीज है। मोलारिटी में लिखते हैं हम लोग, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है, इसको कहा जाता है मोलारिटी। यहां नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखेंगे, अब नंबर ऑफ मोल्स हटा के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिख देंगे तो वो नॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को कई बुक में आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से, और नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला लिखा जाए तो लिखा जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो होना चाहिए लीटर में। और अगर इसको हम फॉर्मूले के टर्म में लिखें तो हो जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए लिखेंगे एन, और एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स हो गया, तो इक्विवेलेंट के लिए छोटा लिख देंगे ई क्यू, हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज वी, किसमें होगा वॉल्यूम सॉल्यूशन, किस में चाहिए लीटर्स में, तो नॉर्मेलिटी हो गया। ये यूनिट इसका क्या होना चाहिए, यूनिट नंबर ऑफ मोल्स का होता है मोल, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का यूनिट होता है इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट पर लीटर। इस तरीके से नॉर्मेलिटी के बारे में हम लोग देखें। दूसरा चीज, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि मोलारिटी में भी नीचे में वॉल्यूम होता है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में सिंपली मास का ही रेशियो है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स टोटली बेस्ड ऑन मास, वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में टोटली बेस्ड है नंबर मास पे। तो ये मास से टेम्परेचर से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर से वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा। अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है तो नॉर्मेलिटी घट जाएगा। नॉर्मेलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर में किस तरीके से, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा, ऐसा करने से उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी घट जाएगा। मोलारिटी में जैसे होता था मोल्स पर लीटर, उसको कैपिटल एम लिखते थे, एम मुंबई एम, उसी तरीके से इक्विवेलेंट पर लीटर को लिखा जाएगा कैपिटल एन, वहां लिखते थे मोलर, यहां लिखा जाएगा नॉर्मल। तो एक एग्जांपल से अगर आपको हम बताएं तो ऐसा लिखा हुआ, अगर 5 इक्विवेलेंट पर लीटर मीन्स नॉर्मेलिटी दिया हुआ, 5 एन कैपिटल एन, कैपिटल एन न्यू दिल्ली एन नॉर्मल, यह लिख दिया 5 नॉर्मल मीन्स नॉर्मेलिटी दिया हुआ। तो ये तीन चीज का यूज कर सकते हैं, ये तीन चीज यूज किया जाता है जिससे पता चलता है कि वहां पर नॉर्मेलिटी दिया हुआ है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आ गया कि मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स था, तो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जानते हैं, यहां आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बारे में नहीं जानते हैं,
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास, या हम लैंग्वेज में पहले लिखते हैं उसके बाद इसका यूज करते हैं, नंबर ऑफ, ये इक्विवेलेंट को हम इतना लंबा बड़ा नहीं लिखेंगे, सिर्फ इक्यू लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास बाय, देखिए नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता है, गिवन मास एंड मोलर मास, मोल्स में मोलर मास, इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेंगे एन ई क्यू, गिवन मास बताएं डब्ल्यू से यूज करेंगे, इक्विवेलेंट मास यूज करते हैं ई से। नाउ यहां पे एक और चीज आ गया बात कि हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है, मोलर मास होता है, ये एक नेक्स्ट आ गया इक्विवेलेंट मास, ये क्या चीज है, यही कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट वेट पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आएगा। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तो अपने आप में बहुत डिटेल, बहुत वास्ट चीज है, उसका थोड़ा सा हम यूज यहाँ पे करेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का, लेकिन पहले मेन फोकस करेंगे इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानने का। तो एक इसमें हेडिंग देते हैं पहले, एक सब टॉपिक है हम लोगों का इक्विवेलेंट मास, इसको इत्मीनान से समझिए तभी जा करके नॉर्मलिटी समझ में आ गया। इक्विवेलेंट मास जैसे मोलारिटी का डाइल्यूशन फॉर्मूला होता है m1v1 is equal to m2v2, वैसे नॉर्मलिटी का ये होगा n1v1 is equal to n2v2। मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस का वहां पर क्या था मोलारिटी, लास्ट क्लास में अगर आप नहीं देखे हुए वीडियो तो इससे पहले वाले क्लास में जाकर वीडियो देखिए, इससे पार्ट इससे जस्ट पहले वाला पार्ट, उसमें आपको मिलेगा कि नॉर्मलिटी मोलारिटी अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो वहां मोलारिटी आता है m1v1 plus m2v2 by v1 plus v2। तो अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो नॉर्मलिटी भी सेम होगा n1v1 plus n2v2 divided by v1 plus v2, तो सेम है। तो इसमें हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे कि नॉर्मलिटी में वो फॉर्मूला कैसे आएगा, हम बस फॉर्मूला लिख देंगे या आप खुद से फॉर्मूला लिख सकते हो, वहां जहां m है, जहां मुंबई m है वहां न्यू दिल्ली n कर लेना आपको, n इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास को रिप्रेजेंट करते हैं ये कैसा मास है, ये इस तरह का मास है जिसमें अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो जो भी कुछ मास लिबरेट हो रहा है, जो भी कुछ मास रिएक्ट कर रहा है उसी को इक्विवेलेंट मास कहते हैं। इट इज मास ऑफ सब्सटेंस व्हेन लिबरेट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ सब्सटेंस दैट लिबरेट 1 मोल्स ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ई। लेकिन ये तो सिर्फ डेफिनेशन हो गया, इसका हम आपको प्रैक्टिकल मतलब बताते हैं। देखिए हम एक एग्जांपल लिख लें, समझिए इस चीज को इत्मीनान से। एमजी है, एमजी क्या करेगा, या उससे भी पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सोडियम है, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। मींस सोडियम जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो हो सकता है NaCl बन जाए, Na2CO3 बन जाए। तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके रिएक्ट करता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया ऐसे। अब यहां पे चीज देखिए, इसके आगे कितना लेवल नंबर, 1 मींस 1 मोल है, ये 1 मोल हो गया। Na प्लस कितना बना, ये भी 1 मोल हो गया। इलेक्ट्रॉन्स कितना आया, ये भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया। मींस इस रिएक्शन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, मींस मास ऑफ सब्सटेंस इसमें जितना भी रिएक्ट कर रहा है वो 1 मोल ट्रांसफर के कारण कर रहा है। अब 1 मोल ट्रांसफर के कारण कितना मोल सोडियम रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिबरेट तो हो गया, 1 मोल रिएक्ट इलेक्ट्रॉन तो कर गया, लेकिन इस दौरान कितना मोल सब्सटेंस रिएक्ट किया, तो सब्सटेंस रिएक्ट किया 1 मोल। 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है, 23 ग्राम। इट मींस 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के दौरान
जो सब्सटेंस रिएक्ट किया 23 ग्राम, इसका मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम इज 23। इसमें रख लीजिए दूसरा एग्जांपल, देखिए हम लिए मैग्नीशियम, ये सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अभी तक हम इसमें नहीं आए हैं, अभी तक हम कोई कंपाउंड में नहीं आए हैं, कोई ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है, सिंपली एलिमेंट की बात कर रहे हैं, बस बातों को समझाने के लिए, इसका डेफिनेशन समझने के लिए। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम बन जाता है Mg2+, ऐसा करने के लिए वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस। अब एक चीज देखिए बहुत इंटरेस्टिंग हुआ यहाँ पे, ये फर्स्ट एग्जांपल समझने के लिए, इससे नहीं क्लियर हुआ आई होप इससे आप क्लियर हो जाएगा, इससे भी नहीं हो क्लियर हो एक और एग्जांपल देंगे। Mg यहां पर 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 Mg2+ जो कंपाउंड बना वो भी प्रोडक्ट से तो मतलब नहीं, हम लोग को कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ रिएक्टेंट इन रिएक्टेंट है तो कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है, ये कितना मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, 2 मोल, तो सब्सटेंस कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल, 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24 ग्राम, 1 मोल मीन्स 24 ग्राम मैग्नीशियम। अब 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो 24 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, 24 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो क्या 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से जितना भी मास रिएक्ट करता है उसको इक्विवेलेंट मास कहते हैं, नहीं इक्विवेलेंट मास किसको कहेंगे, इक्विवेलेंट मास उसको कहेंगे जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, या 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो 24 ग्राम रिएक्ट करता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कितना ग्राम रिएक्ट करेगा, डेफिनेटली 12 ग्राम। बात समझना क्या कह रहे, ऐसे समझिए 2 दर्जन का मतलब है 24 पीसेस, तो 1 दर्जन का मतलब कितना होगा, 12 पीस, 12 पीसेस। क्या कर रहे हैं, इस 2 को इससे डिवाइड कर दे रहे हैं, यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम ये आ रहा है 12, ये तो हमको समझ में आ रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के कारण 24 ग्राम ऐड कर रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कारण 12 ग्राम ऐड करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कारण जितना ग्राम ये मास ऐड करता है उसको इक्विवेलेंट मास कहते हैं, तो 1 मोल के कारण 12 ग्राम ऐड कर रहा है, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 12 ग्राम। अब इसको अगर फॉर्मूले के टर्म में लिखना चाहें तो बहुत इजी है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम हम लिखना चाहें तो एक्चुअल में आया कैसे, ये आया है 24/2 करने से, तो 24 यहां पे क्या है, 24 मैग्नीशियम का मोलर मास है, 2 यहां पे क्या है, 2 यहां पे कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, या 2 यहां पर इस मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है वो, या 2 यहां पर इसका वैलेंसी, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट अगर हमको निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ अगर एलिमेंट हमको निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास बाय उसका वैलेंसी, या फिर उस पर कितना चार्ज आ रहा है वही तो वैलेंसी हो गया, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मींस n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और एक और चीज होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या चीज है, देखिए स्पेस यहां से यहां कितना चार्ज चेंज किया ये बता दीजिए, इस Mg न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीन्स इस पर चार्ज कितना, 0 से क्या हो गया +2, कितने का चेंज हुआ, 2 का, तो ये 2 नंबर जो एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 नंबर मैग्नीशियम का वैलेंसी भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 2 नंबर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीशियम 0 से +2 बन गया तो चेंज 2 का हुआ, तो हम यहां पे सी भी ले सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। अब हर किसी का इक्विवेलेंट मास हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, एग्जांपल हमको इक्विवेलेंट मास ऑफ सपोज क्लोरीन निकालना है, क्लोरीन का मोलर मास इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट निकालना, एलिमेंट एक एटम का निकालेंगे तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, क्लोरीन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लोरीन के लिए मान लो हम अगर Cl2 के फॉर्म में लिखते हैं तो Cl2 क्या करेगा, क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना गेन करेगा, 2 क्लोरीन है कि 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है,
एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो क्लोरीन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या बनाएगा? 2Cl- बनाएगा। अब एक चीज यहां देखिए, ये Cl2 कितना मोल रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल Cl2 रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल Cl2 का मास कितना है? एक क्लोरीन एटम का 35.5, दो क्लोरीन एटम का 71। इस दौरान कितना मोल्स इलेक्ट्रॉन रिएक्ट किया? 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन। 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन के कारण 71 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कारण कितना रिएक्ट करता होगा? 71/2। 71/2 मींस सिंपली 35.5, मींस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन 35.5 आ रहा है तो कैसे आ रहा है? 2 मोल के कारण 71 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल के कारण 71/2 मींस 35.5 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। तो इसको निकालना चाहिए अगर फॉर्मूला से भी आप, तो ऐसे ही निकल जाएगा। क्लोरीन का एटम का मास होता है 35.5, क्लोरीन का वैलेंसी या इस पे चार्ज चेंज करता है, चार्ज कितना चेंज करता है? 0 से 1 हो जा रहा है, तो चार्ज भी 1 हुआ। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब यहां कॉन्सेप्ट लेंगे ना, तो Cl अकेला नहीं रिएक्ट कर रहा, 2 Cl रिएक्ट कर रहा है, तो 2 Cl का मास लेना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। आप इतने चक्कर मत पड़िए, एलिमेंट का जब निकालना है सिंपली एक अकेले एटम का निकालिए, आपके लिए कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा, कभी फंसिएगा नहीं। तो एक अकेला 35.5 डिवाइड बाई इसका वैलेंसी, एलिमेंट के लिए वैलेंसी कौन सा टर्म चला पाइए, ज्यादा सही होगा। वैलेंसी कितना क्लोरीन का? 1। कितना आ जाएगा? 35.5। क्लोरीन का मास इतना हो गया। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन हमको निकालना है, बताइए कितना होना चाहिए इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का अकेला का मास कितना होता है? 16। ऑक्सीजन पे वैलेंसी कितना होता है? 2। कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट मास? 8। हाइड्रोजन का हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक इक्विवेलेंट मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? हाइड्रोजन का मोलर मास है 1, एक अकेला हाइड्रोजन, वैलेंसी भी 1, इक्विवेलेंट मास 1। एक इकलौता ऐसा एटम है जिसका इक्विवेलेंट मास 1 है। और भी कई चीज का निकाल सकते हैं, मान लीजिए हम इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम निकालना चाहते हैं, एल्यूमिनियम कैसे लिखा जाएगा? एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 बाई वैलेंसी चार्ज कितना? 3। कितना आ जाएगा? 9। इस इक्विवेलेंट मास निकाल ली। इसी तरीके से इक्विवेलेंट मास हम सिल्वर का भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए इक्विवेलेंट मास हमको सिल्वर का निकालना है, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? सिल्वर का मास कितना होता है? 108। चार्ज कितना होता है सिल्वर? वैलेंसी कितना सिल्वर का? 1। इक्विवेलेंट मास सिल्वर निकलिए। ऐसा करके हम बहुत किसी का निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट मास। इनफैक्ट इक्विवेलेंट मास हम लोग यहाँ ब्रोमीन का, आयोडीन का, क्लोरीन का, सबका निकाल सकते हैं हम लोग। ब्रोमीन का आइसोटोप्स होता है, आइसोटोप्स अगर एवरेज मास निकाले तो 80 आएगा। मान लीजिए हम ब्रोमीन का निकालना चाहते हैं, ब्रोमीन Br, तो Br का मोलर मास, एवरेज मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास 80। चार्ज इस पे -1 मींस 1 उस पे वैलेंसी होता है, 80/1 मींस सिंपली 80। इस तरीके से हम सबका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट्स का इक्विवेलेंट मास हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगर ये एलिमेंट्स कंपाउंड के फॉर्म में हो अगर, तो जैसे एलिमेंट्स मान लीजिए सपोज NaCl है, HCl है, H2SO4 है, तो उनका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? पानी में हम H2SO4 मिक्स कर दिए, वाटर नहीं है, वाटर में H2SO4 मिक्स कर दिए, हम बोल रहे हैं वाटर का नॉर्मलिटी बताइए, नॉर्मलिटी मतलब वाटर के नॉर्मलिटी के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका चाहिए? सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है? पानी में H2SO4, तो H2SO4 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहिए। वाटर का नंबर ऑफ H2SO4 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? H2SO4 कितना ग्राम पानी में मिक्स किए हैं और H2SO4 का इक्विवेलेंट मास, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने आना चाहिए। H2SO4 एक्चुअल में है क्या? एसिड। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट अभी सीखे हम लोग, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड भी निकालना सीख सकते हैं।
अब एक चीज आपको हम बता दें, किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है एकदम जो हम लिखे हैं कि कोई भी सब्सटेंस एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के दौरान जितना भी मास रिएक्ट करता है वही उसका इक्विवेलेंट मास है। इसको दूसरे कॉन्सेप्ट में हम इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट से कंपेयर करके बता सकते हैं। जैसे कोई सब्सटेंस के पास मान लीजिए Cl है, HCl, तो कोई सब्सटेंस 35.5 ग्राम क्लोरीन अगर लिब्रेट कर दे तो जो भी कुछ उसका मास है वो इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एलिमेंट से कंपेयर करके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम ये वाला चीज भी करवाएंगे, सही टाइम आएगा तो ये चीज भी करवाएंगे, कंपेरिजन करवाएंगे, और अगर हमको अभी सही लगे तो अभी करवाएंगे। ऑक्सीजन का बताइए, अगर कोई कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो उसका मास हम कैसे कहेंगे, उसका इक्विवेलेंट मास कैसे कहेंगे। एक्चुअल में जैसे MgO है, MgO, MgO का इक्विवेलेंट मास निकालना है, कैसे निकाला जाएगा। MgO के पास 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन के कारण MgO बना हुआ है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के कारण जो MgO बनेगा वो उसका मोलर मास, वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। तो जब एलिमेंट से कंपेयर करें किसी एलिमेंट से, तब फिर हमको इस तरीके से कोई एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास से कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन इस पे आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम हर चीज का, चाहे इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ इनफैक्ट आयंस हो, इनफैक्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट्स हो, सबका हम वहां पर इक्विवेलेंट मास निकालना सिखा देंगे। आप जस्ट पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए, हम इधर का पूरा मिटाएंगे और उसके बाद पूरे क्लियर बोर्ड में इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट के बाद दूसरा इक्विवेलेंट मास निकालना सिखाते हैं। ये जो नॉर्मलिटी हम लोग देख रहे थे और इक्विवेलेंट मास देख रहे थे, उसका हम यहाँ पे ब्रीफ लिख दिए हैं। नॉर्मलिटी ये था फॉर्मूला, ये नॉर्मलिटी का डायरेक्शन फॉर्मूला, जैसे M1V1 होता था M2V2, या N1V1 M2V2, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन M1V1 प्लस M2V2 या N1V1 प्लस M2V2। इक्विवेलेंट मास निकालने का ये इतना फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाई ए बी सी या फिर एन या फिर बी, इन पांचों में से कुछ भी, तो इन पांचों को, पांचों में से किसी को भी जो चीज है उसको कहा था एन फैक्टर, एन फैक्टर कहते हैं इसको। और ये ए बी सी क्या है, तो ए है एसिडिटी, एसिडिटी होता है बेस के लिए, बी बेसिटी एसिड के लिए, सी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो चेंज करेगा माने जीरो से प्लस टू हो गया या प्लस वन से प्लस थ्री हो गया, तो चेंज कितने का हुआ, प्लस वन से प्लस थ्री, चेंज हुआ टू का, तो ये सी वो है। एन नंबर ऑफ टर्म ट्रांसफर, कितना टर्म ट्रांसफर करा रिएक्शन से पता चल जाता है, वी वैलेंसी। तो क्या चीज किस पे अप्लाई होगा वही वन बाय वन देखते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट वो कैसे निकलेगा, मोलर मास बाय वी, एम मोलर मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। देखिए मोलैरिटी भी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास भी कैपिटल एम से। तो ये एम हो गया मोलर मास, एम बाय वी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकल गया। दूसरा इक्विवेलेंट मास निकालते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे निकलेगा, एसिड का मोलर मास बाय बी, जहां बी क्या होगा, तो बी का मतलब होगा बेसिसिटी। ये बेसिसिटी क्या होता है, कोई भी एसिड कितना H प्लस रिप्लेस कर रहा है, कितना H प्लस दे रहा है, वो उसका बेसिसिटी है। जैसे HCl, HCl में एक H प्लस रिलीज होता है, H प्लस प्लस Cl माइनस, तो वहां पर बेसिसिटी का वैल्यू हो जाएगा 1। लेकिन H2SO4 इस तरीके से मिलेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे H2SO4 में 2H प्लस मिल रहा है, H2SO4 का बेसिटी हो जाएगा 2। ये क्लास 10th का बेसिक पढ़ाया शुरू किया जाता है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपको मिल जाएगा सब चीज क्लास 10th में। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट ये आपको बता दिए, एग्जाम्पल यहाँ पे देखे थे कैसे निकालेंगे। अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम हमको निकालना है तो एल्यूमिनियम का मास ले लेंगे, या सिंपल वाले में आते हैं थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लेते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट
कैसे निकलेगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16, इस पे वैलेंसी, इसका ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, आंसर आएगा 8। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालना है, एक एसिड ले लेते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl निकालना है, तो मोलर मास HCl का, हाइड्रोजन का मास 1 35.5 1 plus 5.5 36.5, बाई बाई क्या करना है, इसका बेसिटी, बेसिटी क्या, कितना H plus रिलीज कर सकता है वो, तो एक H plus रिलीज करेगा, मीन्स इसका बेसिटी 1 36.5 आएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 अगर नहीं, हम लोग H2SO4 अभी तुरंत बताएं, H2SO4 का बेसिटी 2 होता है, वो दो H plus रिलीज करेगा। हाँ, कई रिएक्शन वो एक H plus रिएक्ट करता है, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर में घोल बनाएंगे, पानी में उसको घोलेंगे तो दोनों H plus रिलीज कर देगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा एकदम एक्सेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं बनाते हम लोग यहाँ पे, इसीलिए। हाँ, रिएक्शन में, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, इस तरह के एनालिसिस में, वहां पर H2SO4 कैसा रिएक्ट कर रहा है उसके हिसाब से H2SO4 का बेसिटी बताया जाता है, 1 भी होता है 2 भी होता है, लेकिन यहां हम 2 ही लेके चलेंगे। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास, मोलर मास बाय वैलेंस, मोलर मास बाय बेसिटी, तो मोलर मास का निकालिए, H2SO4 का आएगा 98, एक हाइड्रोजन 1, दो हाइड्रोजन 2, सल्फर 32 32 प्लस 2 34, एक ऑक्सीजन 16, फोर ऑक्सीजन 64 64 प्लस 34 98 ये 98 आने वाला है 98 बाई 2 49 मीन्स इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 हो गया 49। एसिड के पास देखते हैं सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, सॉरी बेस पहले देख लेते हैं, बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मोलर मास बाय ए मीन्स एसिडिटी, एसिडिटी क्या होगा, कितना OH माइनस वो रिलीज कर रहा है वो उसका एसिडिटी। जैसे NaOH, NaOH में एक OH रिलीज होता है, पानी में डालेंगे Na प्लस OH माइनस मिलेगा, लेकिन Mg OH होल टू इसको वाटर में मिक्स करिएगा तो Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस मिलेगा, 2OH माइनस, जब 2OH माइनस मिल रहा है तो MgOH होल टू के लिए एसिडिटी का वैल्यू 2 होगा। अप्लाई करते हैं एग्जांपल में, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH लेते हैं, NaOH का मोलर मास बाय NaOH का एसिडिटी, NaOH का मोलर मास 40 आने वाला है, 23 प्लस 1 24 प्लस 16 40 40 बाय 1, इक्विवेलेंट मास भी 40 आ गया। दूसरा इक्विवेलेंट मास ऑफ MgOH होल टू निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए मैग्नीशियम है 24, यहां 2OH है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, उसका मास होता है 16 प्लस 1 17, दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन 17 का डबल 34, ये 34 है और ये 24 है, 34 प्लस 24 इज 58, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास 58 बाय एसिडिटी 2, वैल्यू आ जाएगा 29, मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास मोलर मास के बराबर नहीं आया, उसका मोलर मास 58 है लेकिन इक्विवेलेंट मास उसका आधा है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका मोलर मास भी 40 है, इक्विवेलेंट मास भी 40 है, तो जिनका इन फैक्टर मीन्स वही ABCFNB, इन फैक्टर जिनका 1 होता है, ऐसे कंडीशन में इक्विवेलेंट मास, ऐसे कंडीशन में मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम होता है, और जब मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल सेम होगा, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल सेम होगा तो नॉर्मलिटी भी और मोलैरिटी भी सेम हो जाएगी। तो जिनका एन फैक्टर 1 होता है, ये एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर का वैल्यू 1 आएगा या 1 से छोटा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा नहीं आने वाला। तीसरा, थर्ड, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट्स देखते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड किससे बना, आयन से, आयन पे क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड निकालने का तरीका है मोलर मास बाय टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक इक्विवेलेंट मास ले लिए सिंपल NaCl, NaCl का इक्विवेलेंट मास ये हमको निकालना है। NaCl का मोलर मास बाय टोटल पॉजिटिव से निकालिए या फिर टोटल नेगेटिव से निकालिए। NaCl का मोलर मास 28.5 डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव भी 1 है टोटल नेगेटिव भी 1 है, दोनों में से कोई निकालिए 1 ही आ गया। इसका मतलब 58.5 ही होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, वेयर एज इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका क्या होना चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालिए, मोलर मास 100 आने वाला है, 48 प्लस 52 100 बाय टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव। तो कैल्शियम पे पॉजिटिव है प्लस 2 और CO3 2 माइनस, इस पे टोटल नेगेटिव 2 माइनस है। दो पॉजिटिव लीजिए या दो नेगेटिव लीजिए, दोनों से कोई एक लीजिए, दोनों नंबर तो सेम ही है, टोटल पॉजिटिव भी 2 है टोटल नेगेटिव भी 2। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, क्योंकि सॉल्ट एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है और उसमें जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो चाहे पॉजिटिव से निकालिए चाहे नेगेटिव क्या से निकालिए, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास कितना आने वाला है 50। तो जिनका भी एन फैक्टर 1 से ज्यादा आएगा, ये जो डिवाइडेड वाला चीज है उसको एन फैक्टर कह रहे हैं, उसका वैल्यू 1 से अगर ज्यादा आएगा तो इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम नहीं होने वाला है। ये इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट निकालने का तरीका है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट निकालने का एक और तरीका, सॉल्ट क्या मीन्स आयनिक कंपाउंड, तो सिंपली हम लिख रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। अच्छा रुकिए, आयनिक कंपाउंड से पहले हम लिख देते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस ये कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस निकालने का तरीका है उस आयंस का मोलर मास बाय उसके ऊपर टोटल चार्ज। अब अगर कटायन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अनायन है तो नेगेटिव चार्ज होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइंस से मतलब नहीं। एग्जांपल मान लीजिए हम इक्विवेलेंट मास ऑफ SO4 2 माइनस निकालना चाहते हैं, SO4 2 माइनस कैसे निकलेगा? SO4 2 माइनस का मोलर मास लीजिए, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस का मोलर मास आएगा 96 बाय इस पे चार्ज कितना है? दो नेगेटिव, दो ले लिए, मोलर मास कितना आने वाला है 48। इस तरीके से हम मोलर मास इक्विवेलेंट मास किसी भी आयंस का निकाल सकते हैं। कार्बोनेट का भी सेम इस तरीके से निकाल सकते थे। कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? कार्बोनेट का मोलर मास बाय कार्बोनेट पे चार्ज। कार्बोनेट का मोलर मास होता है 60 और उसका चार्ज है 2, 60 बाय 2 मींस 30 मोलर मास निकल गया कार्बोनेट का। तो किसी भी आयंस का निकाल सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कोई भी आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इसका हम चार्ज निकाल, इसका हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन। एक एग्जांपल ले ले, इक्विवेलेंट मास ऑफ हम निकालना चाहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की मास निकाल चुके हैं कितना, 50। इस डेफिनेशन से 50 आ चुका है, तो क्या ये डेफिनेशन आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट तो आयनिक कंपाउंड आना चाहिए। इक्विवेलेंट मास ऑफ कटायन, तो कटायन का इक्विवेलेंट मास, तो कटायन यहां पे कौन सा? कैल्शियम, कैल्शियम का मोलर मास बाय कैल्शियम का चार्ज, मोलर मास बाय चार्ज। आयंस का निकालने का क्या फॉर्मूला है? मोलर मास बाय चार्ज। तो कटायन यहां पे कौन है? कैल्शियम, कैल्शियम का मास कितना है 40। CaCO3 में, CaCO3 में क्या चीज है? दो चीज है, Ca2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस। तो Ca2 प्लस कैल्शियम आयन का मास 40, उसका मोलर मास 40, चार्ज कितना है? प्लस 2 बाय 2 कर दिए। सेम वे अनायन का निकालते हैं, अनायन कौन है?
कार्बोनेट, कार्बोनेट कितना, कार्बोनेट में क्या चार्ज, कार्बोनेट पर चार्ज है, कार्बोनेट क्या मास है, कार्बोनेट का मास है 60, अनायन जहां कार्बोनेट है 60 मास है, कार्बोनेट पर चार्ज कितना है 2, 40 बाई 2 इज 20, 60 बाई 2 30, मीन्स 20 प्लस 30 इसका मतलब 50, इक्विवेलेंट मास 50 आ गया। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास किसी का भी निकाल सकते हैं। ये जो आयनिक कंपाउंड हम सीख लिखे हैं ना, आयनिक कंपाउंड नहीं, ये इनफैक्ट कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी होल्ड करेगा। तो ये जो चीज है ये कोवेलेंट कंपाउंड भी होल्ड करेगा। देखिए अब हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं H2SO4 या बताइए H2SO4 सिंपल में आइए या पहले H2SO4 अप्लाई कर देते ताकि देख लेते हैं मैच कर रहे कि नहीं कर रहे। उसके बाद हम एक दूसरे टाइप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड में आते हैं, या इसको रहने दीजिए, हम एक नया टॉपिक ही इक्विवेलेंट मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। हम ये फॉर्मूला सब हटा रहे हैं जिनका भी हम लोगों को यूज नहीं है, और अगर आपको नोट नहीं किया एक मिनट जस्ट डाइल्यूशन फॉर्मूला जस्ट तुरंत नोट कर लीजिए, इधर नोट हो गया तो मिटा देते, ठीक है। इधर वाला हम इरेज करते हैं और उसके बाद ये वाले के बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड हम एक लिखते हैं, उसके बाद यूज करेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, अब कोवेलेंट कंपाउंड भी है तो उनके ऊपर भी तो चार्ज होता है। H2SO4 ये कैसे बना है, लास्ट टेन में पढ़ते थे हम लोग, नाइन में पढ़ते थे, H SO4 H पे प्लस वन है, SO4 माइनस टू है, ये इसके पास, ये इसके पास, वन चला गया इसके पास, टू चला गया इसके पास, क्या बन गया H2SO4, वन से मल्टीप्लाई हुआ SO4 रहा, ये जानते हैं हम लोग। तो इसमें भी तो चार्ज छुपा हुआ है, H2SO4 में H प्लस है और SO4 टू माइनस है, चार्ज छुपा हुआ है, हर एलिमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। तो हर एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेते हैं तो भी हम आराम से इसमें बना देंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज इक्विवेलेंट मास ऑफ कटायन ही लिख दीजिए, इनफैक्ट हालांकि पूरा कटायन तो बनता नहीं है, या सिंपली लिखिए कटायन मत लिखिए, पॉजिटिव पार्टिकल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ नेगेटिव पार्टिकल। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 हम निकालना चाहते हैं, तो H2SO4 में इक्विवेलेंट मास ऑफ पॉजिटिव प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव कौन है, H प्लस है, मींस इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ H प्लस कैसे निकलेगा, H का मोलर मास 1 बाय, या ऐसे लिख देते हैं पहले हम, इक्विवेलेंट मास ऑफ H प्लस प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ SO4 2 माइनस, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर बना है H2SO4। H प्लस का इक्विवेलेंट मास, तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास सल्फेट का देखिए अभी तुरंत हम निकालें, सल्फेट का 96/2, ये तो निकालने जरूरत नहीं, 96/2। और H प्लस एक हाइड्रोजन का मोलर मास 1, चार्ज इस पे 1 है, 1 बाय 1 मींस 1, 96/2 मींस 48, 48 प्लस 1 49, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 49 आ गया। देखिए यहां पर ये चीज हम लोग एकदम परफेक्ट काम कर गया, H2SO4 यहां पर 49 आ गया। इस चीज को हटा करके हम एक और एग्जांपल आपको देते हैं, ये टॉपिक हम लोग फिनिश करके ही नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ मान लीजिए NH3 लिखा हुआ है, NH3 कैसे निकालिएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ NH3 दूसरा एग्जांपल है, इक्विवेलेंट मास ऑफ NH3, हालांकि इसमें थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए अलग डायरेक्शन जा रहे हैं क्योंकि NH3
ऐसा कंपाउंड नहीं जो वाटर सोल्युबल है, पानी में तो ये मिक्स नहीं होगा NH3, तो हम लोग उसमें नहीं पढ़ना है कोई खास NH3 के बारे में, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर में NH3 से क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन अब टॉपिक आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड कंपाउंड, इसको डिस्कस करके ये टॉपिक पूरा खत्म करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर हेल्प मिल जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन, आप बता सकते हो इस नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल सकते हैं, एक हाइड्रोजन प्लस वन, तीन हाइड्रोजन प्लस थ्री, तीन हाइड्रोजन प्लस थ्री, अगर तीन पॉजिटिव है तो तीन नेगेटिव, इसका मतलब हाइड्रोजन पे तीन नेगेटिव चार्ज है। इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल, नाइट्रोजन आयन निकालेंगे प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन आयन निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन आयन कितना होगा? नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 बाई चार्ज कितना है उसका? 3। अब किसी पर भी आयन टाइप को कोई बना, वो अलग बात है, परफेक्ट आयन नहीं होता ये, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का होता है इनके ऊपर, लेकिन कुछ भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कुछ भी तो चार्ज है, वो चार्ज को हम ले लें। प्लस एच प्लस का अभी तो देखें, 1/1 मोलर मास भी 1 और चार्ज भी 1, इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 17/3 इक्विवेलेंट मास ऑफ NH3 वुड बी 3। इस तरीके से इक्विवेलेंट मास का पूरा टॉपिक हम लोगों का फिनिश हुआ। इक्विवेलेंट मास अगर हो गया है तो हम एक क्वेश्चन बस करेंगे नॉर्मलिटी पे और ये क्लास ओवर करेंगे, जहाँ पे आपको हम बताएंगे नॉर्मलिटी और मोलारिटी ये आपस में इक्वल हो भी सकता है नहीं हो सकता है।